नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे होंगे लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स किया जा सकता है, और मेरे पास चीज़ के नाम की एक लिस्ट थी। सिमिलरली जिस तरह हम स्ट्रिंग को यूजिंग फॉर लूप ट्रैवर्स करते थे, तो यहाँ पे मेरे पास पहले एक वेरिएबल पॉइंट कर होगा 0th इंडेक्स पे, फिर 1st इंडेक्स पे, और वन बाय वन तमाम के तमाम एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे लेंथ का फंक्शन है। लेंथ का फंक्शन अगेन एक लिस्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनको रिटर्न कर देगा। नंबर्स में मेरे पास 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। एक और बड़ा हेल्पफुल फंक्शन है, दैट इज़ रेंज। रेंज फंक्शन क्या काम करता है कि हमें 0 से लेके 5 तक, 5 इंक्लूड नहीं है, एक लिस्ट जनरेट कर देता है जिनकी वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2, 3, 4। अगर मैं इसको टाइप कास्ट कर दूं लिस्ट में, तो आपको एग्जैक्टली वो चीज़ नज़र आ जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4। इसका पर्पस ये है कि हमें पता है कि नंबर में मेरे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं 17 और 5, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस नुमेरिक लिस्ट में तमाम के तमाम नंबर जो पड़े हैं उनको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फिर हम यहाँ पे रेंज का फंक्शन यूज़ करते हैं। रेंज का फंक्शन हमें एक लिस्ट रिटर्न कर देगा जिसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से होंगी। अब क्योंकि मेरे पास लेंथ ऑफ नंबर्स 2 जा रहा है, तो ये लिस्ट जनरेट करेगा 0, 1 की, और फिर हम आई में 0 पड़ा होगा, फिर इसी तरीके से आई में 1 आएगा, और नंबर ऑफ 0 की में जो कंटेंट्स हैं उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसको अपडेट कर देंगे, फिर इसी तरीके से 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह आपके पास आंसर यानी लिस्ट अपडेट हो जाएगी और तमाम के तमाम कंटेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लिस्ट में जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं वो मेनली 2 हैं। अगर हम 2 लिस्ट को ऐड करना चाहें तो कीप इन माइंड यहाँ पे दोनों लिस्ट कनकैट हो जाएंगी। आप जैसे देखें कि ए एक लिस्ट है, बी एक लिस्ट है, आपने ए प्लस बी किया इज इक्वल टू सी, तो अब दोनों लिस्ट कनकैट होगी। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे दोनों लिस्ट के कंटेंट्स आपस में ऐड हो जाएं, लाइक 5, 7, 9 आंसर आ रहा हो। अगर वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना हो तो आने वाले लेक्चर्स में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे नंपाई अरेज का, तो वो चीज़ वहाँ पे हैंडल हो रही है। जिस तरह स्ट्रिंग्स के केस में जब हम 2 स्ट्रिंग्स को करते थे तो वो आपस में कनकैट हो जाती थी, सिमिलरली 2 लिस्ट को जब हम ऐड करेंगे तो आपस में कनकैट हो जाएंगी। इसी तरीके से एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट की कर दी, और उसको जब मल्टीप्लाई 4 करूँगा तो क्या आंसर आएगा, अगेन वो उतने टाइम्स कनकैट हो जाएगी। जिस तरह स्ट्रिंग में स्लाइस ऑपरेटर काम कर रहा है, वहाँ बिल्कुल लिस्ट में भी उसी तरीके से स्लाइस ऑपरेटर काम कर रहा है। अगर मैं 1:3 करूँगा तो इट मीन्स कि मुझे इस लिस्ट में से बी और सी रिटर्न होके मिल जाएगा। अगर मैं टी स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देता, :4 करता हूँ, तो ये स्टार्ट से लेके 3rd इंडेक्स तक की वैल्यूज रिटर्न कर देगा, सो 0, 1, 2 और 3। सिमिलरली अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए, कॉलन कर दिया और एंड पॉइंट छोड़ दिया, तो ये लास्ट तक रिटर्न करेगा। अगर मैंने सिर्फ कॉलन कर दिया तो ये तमाम के तमाम लिस्ट रिटर्न कर देगा। एक और जो बहुत पावरफुल चीज़ है जो हम डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग एंड NLP में एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे होते हैं, वो है कॉलन ऑपरेटर को असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे। जब आप मल्टीपल इंडेक्सेस पे एक या एक से ज़्यादा वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, तो क्विकेस्ट पॉसिबल और स्मार्ट पॉसिबल वे ये है। जैसे कि इस केस में अगर आप चाहते हैं कि 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स में जो वैल्यूज पड़ी हैं वो रिप्लेस हो जाएं एक्स और वाई से, तो यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर आप ये काम करेंगे, और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि टी ऑफ 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, 2 इंडेक्स वैल्यू पड़ी है, उसमें हमारे पास एक्स और वाई आ जाएगा। लिस्ट के मेथड्स, अगर मेरे पास टी एक लिस्ट है उसमें मैंने कोई वैल्यू अपेंड करनी है तो अपेंड का मेथड है, और मेरे पास वो वाला एलिमेंट अपेंड हो जाएगा। अगर मुझे कोई और सब लिस्ट उस लिस्ट के साथ अटैच करनी है तो आप अपेंड नहीं करेंगे बल्कि आप एक्सटेंड का मेथड यूज होगा। सिमिलरली अगर मुझे इसको सॉर्ट करना है लिस्ट को, तो ये सॉर्ट कर रहा होगा। कीप इन माइंड के जो सॉर्ट मेथड है ये रिटर्न नन करेगा, रिटर्न नन करता है। अगर आप कोई इस तरह का टास्क परफॉर्म करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो टी डॉट सॉर्ट